Audio Jungle. हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने अपने घरों में सेफ होंगे। तो प्यारे दोस्तों, मैं आपके साथ शेयर करूंगी मेरी रमज़ान की बेसिक सी प्रिपरेशन। जी हाँ, तो मैं यहाँ पे बना रही हूँ धनिया पाउडर। सारा धनिया को मैं अच्छी तरह से भून लूँगी और फिर इसका पाउडर बनाकर एक कंटेनर में स्टोर कर लूँगी। आप भी अपने घर में ऐसे तरीके से धनिया पाउडर बना सकते हैं, इंस्टेड ऑफ़ यूजिंग पैकेट वाला रेडीमेड पाउडर। दिस इज़ द बेस्ट वन आई कैन से। हेल्दी भी होता है, अपने रेसिपीज़ की स्वाद बढ़ा देते हैं। ज़ीरा को भी ऐसे तरीके से भून कर पाउडर बना के रख सकते हैं। अभी जो है मैं ग्राइंडर में इसका पाउडर बना लूँगी। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि अपनी रमज़ान की प्रिपरेशन कैसे चल रही है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो ये बन गया है पाउडर। तो ये देखिए दोस्तों, धनिया पाउडर रेडी हो चुका है और इसको मैं इस कंटेनर में स्टोर करके रख लूँगी। तो दोस्तों, मैं यहाँ पे बना रही हूँ रेड चिली फ्लेक्स। इसकी अच्छी सी भुनाई करूँगी और फिर इसको दरदरा सा मिक्सर में पीस लूँगी। एकदम बारीक, एकदम पाउडर वाला पीसना नहीं है इसको, थोड़ा मोटा मोटा रखना चाहिए इसको। जब भी मुझे रेसिपीज़ में ज़रूरत हो तो मैं इसको यूज़ कर सकती हूँ। आप भी अपने घर में ऐसे तरीके से रेड चिली फ्लेक्स बना सकते हैं। तो दोस्तों, नेक्स्ट जो है, मैं इस कंटेनर को अच्छे से साफ़ करके धो के ड्राई करके रख दिया था लास्ट नाइट। तो अभी मैं इसकी रिफ़िल कर रही हूँ, सारे मसालों को रिफ़िल करूँगी। खड़ा गरम मसाला, ज़ीरा, हल्दी, धनिया पाउडर, मसाला, सब कुछ इसमें डाल के स्टोर करके रख दूँगी ताकि मुझे कुकिंग के समय आसान रहे। आप भी इस तरीके से प्रिपरेशन करके रख सकते हैं। तो हल्दी, धनिया पाउडर, रेड चिली पाउडर, ये सब कुछ घर में पीसा है मैंने। अदरक को छील रही हूँ। लहसुन को जो है मैंने ऑलरेडी छील के रख लिया है। लहसुन का आसान तरीका है छीलना, लहसुन के अलग अलग कलियों को निकाल लीजिए और फिर उसमें तेल डाल के थोड़ी देर के लिए रख दीजिए, ओवरनाइट या वन आवर के लिए। उसके बाद आप छीलिए, आसानी से छिल जाएगा। और ये अदरक छीलने का तरीका है, बिल्कुल आसान तरीका है। एक स्पून लीजिए और इसको इस तरीके से पील कीजिए, सारा ऊपर का छिलका जो है आसानी से निकल जाएगा। आप भी इस तरीके से अदरक को छील सकते हैं। जब आप चाकू से या किसी और चीज़ से इसका छिलका निकालते हैं तो सारा अदरक उसी में निकल जाता है, वेस्ट हो जाता है। तो इस तरीके से आपका अदरक भी वेस्ट नहीं होगा और टाइम भी बच जाएगा। तो अभी जो है मैं अदरक लहसुन का पेस्ट बना के एक कंटेनर में स्टोर करके रखूँगी। मेक श्योर आप अदरक लहसुन का पेस्ट जो है या तो स्टेनलेस स्टील के कंटेनर में स्टोर कीजिए या फिर ग्लास कंटेनर में। तो दोस्तों देखिए, इसमें थोड़ा सा भी अदरक वेस्ट नहीं हुआ है, सारा छिलका है। और फिर ये अदरक देखिए कितनी साफ, कितनी सफाई से निकल गया है। और यहाँ पर जो है गार्लिक को मैंने ऑलरेडी पील करके रख लिया है। अभी मैं इसको अच्छे से धो लूँगी और फिर ग्राइंड कर लूँगी।
है मैं ग्राइंड कर रही हूँ जिंजर गार्लिक पेस्ट को। पहले जो है अदरक को पीस लूँगी। अदरक को पीसने के बाद मैं जो है इसमें थोड़ी सी हल्दी, दो लौंग और दालचीनी, थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा तेल डाल के फिर अच्छे से ग्राइंड करके इसको एक कंटेनर में स्टोर करके रख लूँगी। ये बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। तो दोस्तों जब भी मैं जिंजर गार्लिक का पेस्ट बनाती हूँ तो मैं इसमें ग्राइंड करने से पहले, तो दोस्तों ये देखिए जिंजर गार्लिक पेस्ट रेडी हो चुका है। इसको मैंने ग्लास कंटेनर में रख दिया है और फिर मैं इसको फ्रिज में रखूँगी। चलिए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखना।